अक्षय शिंदे कथित एनकाउंटर में फिर एक बार बदल गया एनकाउंटर का स्थान। मुमरा बाईपास पहुंची सीआईडी टीम, देखिए पुलिस की वो वैन जिसमें हुआ था एनकाउंटर। नरवीर कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरे महाराष्ट्र में बहस को जन्म देने वाला एक एनकाउंटर, पूरी न्याय प्रणाली को धता बता करके इंसाफ करने की एक नई नीति। अपराधी बिल्कुल किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं, खास करके रेपिस्ट का समर्थन नहीं। लोग कहते हैं अच्छा हुआ गोली मार दी, अच्छा हुआ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पब्लिक के सामने लाकर मारना चाहिए था। अगर किसी भी अपराध में अगर आप कानून हाथ में लेकर सजा देने लग गए तो फिर कानून की प्रक्रिया क्यों बनाई गई है, जुडिशियल सिस्टम क्यों बनाया गया है, ऐसा सवाल सोशल मीडिया पर भी उठ रहा है, लोगों के बीच में भी उठ रहा है। एक तरफ समर्थन है तो एक तरफ जो है कार्य प्रणाली पर सवाल है, सरकार की नीयत पर सवाल है। बहरहाल कथित अक्षय शिंदे एनकाउंटर में अब क्या डेवलपमेंट है, तो 24 सितंबर को थाने पुलिस आयुक्तालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और यह ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसे पुलिस आयुक्तालय के किसी भी वरिष्ठ आईपीएस पुलिस अधिकारी ने संबोधित नहीं किया और पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए। यहां पर नवनियुक्त पीआरओ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थाने पुलिस आयुक्तालय के, सीनियर पीआई शैलेश साडवी, उन्होंने क्या जानकारी दी और महज एक दो सवालों पर भी उन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद आपको बता दें कि कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है यानी न्यायिक हिरासत में मौत होती है या पुलिस हिरासत में मौत होती है तो वो सीआईडी इंक्वायरी उसमें लगती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी उसमें की जाती है। तो ये अब जांच भले ही इस संबंध में मोबरा पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास और एक्सीडेंटल डेथ रजिस्ट्रेशन, ऐसे दो अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। जांच के लिए कहा जाएगा कि मोबरा पुलिस है, लेकिन मोबरा पुलिस सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका निभाएगी और इसकी जांच सीआईडी करेगी और इसी जांच के लिए सीआईडी की टीम मोबरा बाईपास पहुंची। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीआरओ सीनियर पीआई सालवी ने बताया कि ये एनकाउंटर जो है मोबरा देवी मंदिर के निचले बाईपास के हिस्से में हुआ है। अब पहले बताया गया था वाई जंक्शन, तो हमने वो आपको बताया था और बताते वक्त ये भी बताया था कि ये कंफर्म नहीं है, कहा जा रहा है बताया जा रहा है, लेकिन यहीं पर चलती गाड़ी में छीना झपटी हथियार छीनना और उसमें फिर एनकाउंटर होना ये यहां पर नहीं हुआ है। फिर हमने आपको रात में 1:40 बाईपास जाकर हमें कुछ जानकारियां मिली थी, उसी के आधार पर सारी चीजें देखने के बाद हमने आपको वो दूसरी खबर बताई कि कहां पर एनकाउंटर हुआ है, सैयद फकीर शाह बाबा रहमतुल्ला अलैह दरगाह और वो झरने से कुछ कदमों की दूरी पर। अब ये तीसरी खबर हम बता रहे जिसमें स्थान फिर एक बार बदल गया है, तीसरी जगह चला गया है मोबरा देवी मंदिर जो पहाड़ का हिस्सा है उसके बाईपास के निचले हिस्से में बताया जा रहा है। वहां पर सीआईडी की टीम पहुंची है, देखिए किस तरीके से सीआईडी मुआयना कर रही है और उसके बाद अंत में हम आपको बताएंगे वो पुलिस वैन जिसमें अक्षय शिंदे का कथित एनकाउंटर हुआ है, जिसमें अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे की पिस्तौल छीनने की कोशिश की और उस दौरान हुई फायरिंग में नीलेश मोरे घायल हुए, फिर दो हवाई फायर भी हुए अक्षय शिंदे की तरफ से, जबकि फिर सीनियर पीआई संजय शिंदे ने गोली मारी जिसमें अक्षय शिंदे की मौत हो गई। ये वो मैन है जो अब थाने पुलिस के जो परेड ग्राउंड का मैदान है उसमें रखी गई है ये वैन और अब तक इसमें आपको बता देंगे मीडिया को इस वैन का मुआयना करने नहीं दिया गया है, ना ही इसके कोई वीडियोज वगैरह बनाने दिए गए, तस्वीरें लेने दी गई है, करीब से तस्वीरें इसकी नहीं कोई भी ले पाया है और ना ही वो सामने आई है, लेकिन ये पहले वीडियोज है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वैन वही है जिसमें ये एनकाउंटर हुआ है। पूर्व पुलिस स्टेशन में जो इसके पहले गुना रजिस्टर हुआ था एक नाबालिग बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ था उसके बारे में, उसमें जो आरोपी अक्षय अन्ना शिंदे जो अरेस्ट था और तलोजा मध्यवर्ती कारागृह में न्यायालयीन बंदी था, उसके ऊपर और एक गुना उसके वाइफ ने दर्ज किया था। उसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी और स्पेशल टीम के अधिकारियों ने माननीय न्यायालय से ट्रांसफर वारंट लेके वो आरोपी को ये जो नया गुना दाखिल हुआ है उसमें ट्रांसफर करने के लिए तलोजा मध्यवर्ती कारागृह से कल उसको ताबे में लिया था और ताबे में लेके जब वो आ रहे थे थाना की तरफ तब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन के जो पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर फायरिंग की
उसके वो सब जो मैटर है उसमें मुमरा पुलिस स्टेशन में पुलिस के ऊपर जानलेवा हत्या हमला करने का जो ये था उस पर गुना रजिस्टर किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो नया एक्ट है उसके तहत गुना रजिस्टर किया गया है और उसमें जो आरोपी है उसका देहांत हुआ है तो उसके बारे में एक अकस्मात मृत्यु रजिस्ट्रेशन किया गया है। दोनों का तपास थाना पुलिस कर रही है। सर ये घटना कैसे घटित हुई? चलती गाड़ी में घटना घटित हुई, वैन के अंदर ही पूरा हुआ, पुलिस पर फायरिंग हुआ या फिर ये सब तपासाधीन है और इसके बारे में मैं अभी आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। ये इतनी जो फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी है, इसके अलावा मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सर। घायल पुलिस अधिकारियों की स्थिति कैसी है? चलती गाड़ी में गाड़ी रोकी गई थी, गाड़ी रही या घटनेमध्ये एक पोलीस अधिकाऱ्याला पायाला गोळी लागलेली आहे आणि ते उपचार घेत आहेत, इतरही पोलीस अंमलदार उपचार घेत आहेत। एक पोलीस ऑफिसर जख्मी हुआ है, उसके पैर में गोली लगी हुई है, जुपिटर अस्पताल में उनके ऊपर इलाज चालू है, बाकी के पुलिस भी उपचार ले रहे हैं जुपिटर हॉस्पिटल में वो दाखिल। इससे ज्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ सर। इतना तो बता सकते हैं निश्चित घटनास्थल कौन सा है? सर निश्चित घटनास्थल कौन सा है? मुमरा बाईपास में निश्चित घटनास्थल कौन सा है, इतना तो बता सकते हैं सर आप? मुमरा बाईपास के यहाँ जो मुमरा देवी का जो मंदिर है उसके पायथे के नीचे वहाँ पे हुआ। गाड़ी